इस वक्त की अहम खबर हम आप तक पहुंचा रहे हैं। मथुरा जेल पहुंच चुकी है ईडी की टीम। पीएफआई के 4 सदस्यों से ये टीम पूछताछ करेगी। पीएफआई सदस्यों पर जातीय दंगा फैलाने का आरोप लगा है। दंगे के लिए इस्तेमाल फंडिंग के बारे में पूछताछ होगी। साजिश के लिए फंडिंग के बारे में पूछताछ की जाएगी। ईडी ने सोमवार को पूछताछ के लिए इजाजत मांगी थी और आज ये पूछताछ की जाएगी। हाथरस कांड को लेकर इस वक्त की बड़ी और अहम खबर एएनबी न्यूज पर। मथुरा जेल में पहुंच चुकी है ईडी की टीम। खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे संवाददाता पुनीत मोहन इस समय फोन लाइन पर जुड़े हुए हैं। पुनीत, पूरी जानकारी हम आपसे चाहेंगे। मथुरा जेल पहुंची है ईडी की टीम। पल्लवी, देखिए जिस तरीके से हाथरस की घटना को एक सांप्रदायिक माहौल बिगाड़ने के लिए और जातीय दंगा फैलाने के लिए प्लानिंग करी थी पीएफआई ने, और सही समय पर यूपी पुलिस को इसकी सूचना प्राप्त हो जाती है और मांट टोल प्लाजा यमुना एक्सप्रेस वे से 4 लोग गिरफ्तार किए जाते हैं जो पीएफआई की यूथ विंग के सदस्य बताए जाते हैं। दिल्ली से वो चले थे, हाथरस पहुंच रहे थे। उनके पास कुछ ऐसी सामग्री मिली है जिसके जातीय दंगा भड़काने की पूरी प्लानिंग थी और जो माहौल था हाथरस का उसको और ज्यादा उग्र करने का उनका प्लान था। कुछ लोग पहले से ही भीड़ में मौजूद थे, ये लोग वहां पहुंचते, उसके बाद धरना प्रदर्शन शुरू होता और भीड़ में छुपे ये लोग हिंसा करते और हिंसा और आगजनी करने का इनका पूरा प्लान था। लेकिन कहीं ना कहीं यूपी पुलिस की सक्रियता के चलते ये लोग पकड़े गए। मथुरा को सीपीएम ने कल ईडी को पूछताछ के लिए परमिशन दिया और ईडी मथुरा जेल पहुंची है जहां इनसे पूछताछ होगी, क्योंकि इनके अकाउंट में विदेशों से करोड़ों रुपए का लेन देन है। इसके साथ कई लोगों के इन्होंने नाम लिए थे, उनके अकाउंट में भी बाहर से फंडिंग हुई है। अब ईडी पूछताछ करेगी कि आखिर इनके पास इतना पैसा बाहर से क्यों आया और किस लिए आया। जी बिल्कुल, और इस खबर पर पल पल की अपडेट हम आपसे लेते रहेंगे। फिलहाल के लिए शुक्रिया पुनीत, आपने तमाम जानकारी हम तक पहुंचाई है। तो ये अहम और बड़ी खबर एएनबी न्यूज आप तक पहुंचा रहा है। हाथरस कांड को लेकर मथुरा जेल ईडी की टीम पहुंच चुकी है। पीएफआई के 4 सदस्यों से ये टीम पूछताछ करेगी। देश दुनिया की खबरों के लिए एएनबी न्यूज को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं।